करने वाला है। यह मशीन कहाँ काम आती है? यह मशीन वहां पर काम आती है जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में वेजिटेबल काटी जाती है, जैसे कि आपके कोई होटल हो गया, हॉस्टल हो गया, कैटरिंग हो गया, और भी कोई इवेंट पार्टी वगैरह, वहां पर यह मशीन बहुत ही कामगार मशीन है। तो इसके साथ में एसेसरीज क्या क्या आने वाली है, यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको। इस बॉक्स को खोलेंगे आप तो यहाँ पर 7 प्रकार की जालियां होगी। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप के, जैसे आपको पोटैटो कटिंग करनी है, टमाटर कटिंग करने हैं, या फिर आपको प्याज कटिंग करना है, सबके लिए अलग अलग प्रकार की जालियां हैं। साथ में ये जो जालियां लगती हैं, इसके नीचे आपको एक ये प्लास्टिक का होल्डर दिखाई देता है। अब इसको अपन इंस्टॉलेशन कर लेते हैं कि किस प्रकार इसका इंस्टॉलेशन होता है। तो चलिए आप देखिए, आप देखिए, सबसे पहले ये जो प्लास्टिक का होल्डर है, इस होल्डर को आपको यहाँ पर फिट करना होगा। ये होल्डर फिट होने के बाद आपको यहाँ पर जो जाली लगानी है, जैसे आपको कौन सी जाली लगानी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको। तो आपको यहाँ पर जो कटर है, कटर को आपको ऊपर की तरफ रखना होगा, और उसके बाद में यहाँ पर खांचे बने हुए हैं, इन खांचे में इजीली यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये देखिए आप, ये इसके जैसे आप यहाँ पर ये जाली कंप्लीट फिट करेंगे, जाली फिट करने के बाद इसके ऊपर का जो ढक्कन है उस ढक्कन को लगाएंगे। ढक्कन के बाद इसके बाद में जो आपके वेजिटेबल है उसको जो प्रेस जो स्विच है, वो प्रेस स्विच यहाँ पर आपको इस प्रकार फिट करना होगा। ये इस प्रकार ऊपर आपको देख पा रहे होंगे, एक तो वुडन का स्विच है ऊपर, जहाँ से आप इसको प्रेस कर सकते हैं, साथ में एक और आपको दोनों स्विच मिल जाते हैं, ये है और ये आपको वुडन का है। अब इसको अपन लाइव चालू करके देखेंगे कि किस प्रकार इसमें चलता है। साथ में आपको यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है और इसके साथ में एक केबल मिल जाती है। अब इसको वहां से अपन को केबल स्विच में लगा दिया है, और उसके बाद में यहाँ से ऑन ऑफ का बटन है, तो यहाँ से ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ से आपको आलू, बस चला गया वो अंदर आलू, ये फिर दूसरा आलू लगाया, फिर तीसरा लगाया, फिर ये देखिए आप जैसे कितना बारीक ये गट्टे हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, जैसे मतलब अपने सब्जी की कटिंग होती है वैसे ही ये इसने कटिंग कर दी है, यानी कि काफ़ी अच्छा मशीन है। ये देखिए आप, ये कितना अच्छा है, वाह, यानी कि बहुत ही कम समय में ये काम कर रहा है। मेरे ख्याल से तो 10 मिनट में कितने सारे ये सब्जी काट देती है। अब इसमें देखते हैं अपन के आलू के चिप्स बनती है कि नहीं बनती है। तो चलिए इसमें एक जाली चेंज करते हैं और उसके बाद में आलू की चिप्स बनाते हैं। तो चलिए, तो आलू की चिप्स के लिए हम दूसरी जाली लगाएंगे, तो ये जाली है उसको अपन निकाल लेंगे। अभी देख रहे होंगे आप पूरे आलू दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि हमने सिर्फ एक डेमो बताया था, थोड़ी देर चलेगा ये मशीन तो वो सारे जो आलू हैं वो यहाँ पर गट्टे हो जाएंगे। तो अब अपन को आलू की चिप्स बनाने के लिए दूसरी जाली लगानी होगी। अब देखिए आलू की चिप्स के लिए आप एक बार ये जाली बताइए, ये इस प्रकार की जाली है, ये देखिए आप, ये तो इसको यहाँ पर आप रख दीजिए, इसको ऐसे उल्टा करके यहाँ पर लगाना होगा। ये लग गया, और लगने के बाद अब इसके ऊपर वापस आप जो अपना प्रेस स्विच है उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। अभी हम क्या डेमो बता रहे हैं, इसलिए आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक दो आलू ही हमने कटिंग की है। जब आपके एक साथ आलू डालेंगे इसमें तो आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी आप देखिए ये कम्प्लीटली, आप ये ध्यान रखिए उल्टा है या सीधा, जैसे अभी आपने देखा है कि थोड़ा सा उल्टा है, तो अभी इस तरफ आप इसको रखिए, और जैसे मैं सामने बैठा हूँ तो ये गोल वाला जो स्विच है वो मेरे सामने होना चाहिए। तो अब वापस से हम मशीन को चालू कर रहे हैं, तो मशीन चालू कर दीजिए वहां से, ये मशीन चालू हो गई है, और उसके बाद में यहाँ पर ये और आलू है। अब देखो चिप्स में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद अभी आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर, अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर एक आपको पात्र मिल जाएगा, उस पात्र के सहायता से यहाँ पर इजीली चिप्स हो जाएगी। देखिए ये यहाँ पर ऊपर से आलू डाला, नीचे आपके चिप्स निकल रही है।
यानी कि काफी अच्छी जोरदार मशीन है। अगर आप टमाटर काटना चाहते हैं टमाटर कट जाते हैं, मिर्ची काटना चाहते हैं मिर्ची कट जाती है, हर तरह की सब्जियां इसमें कटती है। वाओ कितने मस्त है, बहुत ही जबरदस्त मशीन है ये। अभी आपने कम्प्लीटली इस मशीन का रिव्यू देख लिया है कि कैसे चलती है, कैसे क्या होता है। अभी हमने एक छोटा सा डेमो बताया था हमें कि आलू सब्जी के लिए काटे थे, साथ में ही चिप्स बनाई थी, और साथ में ही मेन बात तो ये है कि सर्दी बहुत तेज है, तो सर्दी में गाजर का हलवा तो मेरे को भी अच्छा लगता है, आपको भी शायद अच्छा लगता ही होगा। किसको अच्छा नहीं लगता यार, सबको अच्छा लगता है। तो गाजर के हलवे के लिए भी ये एक प्रकार की ये एक जाली है, इसमें बस आपको जाली चेंज करनी है, गाजर डालनी ऊपर से, और इतना अच्छा मतलब गाजर का जैसे आप बिल्कुल पीसते हो ना वैसे गाजर का हलवे के लिए इसमें से कटिंग हो जाती है। साथ में आप इसमें टमाटर जो भी आपके काटना हो, सब्जी नाम की कोई भी चीज हो, इसमें आप यहां से डालिए और नीचे आपके कट जाएगी। यानी कि काफी अच्छी मशीन बनाई है, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैन्युफैक्चरिंग वाले को कि काफी अच्छी मशीन बनाई है। आपके समय बच रहा है, लेबर बच रही है, यानी कि अगर एक क्विंटल आलू काटने होते अभी तो मेरे ख्याल से कितनी लेबर लगानी पड़ती, लेकिन यहां तो अभी देख लो आप घंटे दो घंटे में आपके एक क्विंटल आलू कट जाते हैं। यहां पे अगर अपन इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको 1 HP की आपको मिलने वाली है 18,500 तक मिल जाती है। साथ में अगर इसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो हमेशा मैं कहता हूँ अलग ही रहता है तो अलग ही रहेगा। तो अगर आपको खरीदनी है तो हमारे टीम मेंबर से भी आप बात कर सकते हैं और ऑनलाइन आपको होम डिलीवरी ये मशीन आपको मिल जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और मशीन को भी साथ में लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत जय राजस्थान, वंदे मातरम।